दोस्तों, द इंडियन एयरफोर्स, यह नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिलों में एक अलग ही प्यार उमड़ पड़ता है। और ये प्यार सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए ही नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनके लिए भी दिलों में एक अलग ही लेवल का प्यार रहता है। लेकिन हालांकि ये वीडियो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, तो हम इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड आपको कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जो कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे, और ये जानकारी आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, ये जानने के बाद आपको इंडियन एयरफोर्स के लिए दिलों में प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये आज के समय में आपका मौलिक अधिकार भी है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का गठन कब किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स का गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया, लेकिन ध्यान रहे उस समय इंडियन एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स नहीं कहा जाता था। उस समय भारत गुलाम था और उस समय इंडियन एयरफोर्स का नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स रखा गया था। हालांकि दोस्तों, ब्रिटेन का गुलाम था भारत, इसीलिए सभी सैनिक के आगे रॉयल लगा होता था, यानी कि रॉयल इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। लेकिन 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ, 1947 में, और जब भारत पूर्णतः गणतंत्र हो गया यानी कि संविधान लागू हो गया 1950 में, उस समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स का नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। और फिर दोस्तों, देखते ही देखते इंडियन एयरफोर्स विश्व में चौथे नंबर की एयरफोर्स बन गई है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे फोर्थ शक्तिशाली एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स बन गई। वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स में 1,70,000 से ज़्यादा सैनिक कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और एयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास टोटल फाइटर जेट 1,350 से कहीं ज़्यादा हैं। ये आंकड़ा मैं अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास 1,350 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं, जो कि काफ़ी खुशी की बात है, इस पर आपको गर्व होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक जानकारी जानकर आपको और भी ज़्यादा गर्व होगा, और ये जानकारी ये है कि पूरी एशिया महादेश का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन भी भारत में ही है, और वो अपने ही उत्तर प्रदेश राज्य का हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है। जी हाँ दोस्तों, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, जो कि हिंडन नदी के किनारे है, इसी कारण उसका नाम हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है, वो एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। और इतने बड़े एयरफोर्स स्टेशन होने के कारण ही इंडियन एयरफोर्स हर साल, यानी कि अपने वायुसेना दिवस जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसमें इंडियन एयरफोर्स हर साल यहीं पे अपना फेस्टिव सीजन आयोजन करती है, यानी कि एयर शो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर ही भारतीय वायुसेना दिखाती है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि 2023 में इसे चेंज किया गया है और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजन किया गया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन कुल 55 किलोमीटर में फैला हुआ है। सोचिए दोस्तों, एक एयरफोर्स स्टेशन 55 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये कितनी गौरव की बात है हमारे लिए, और वो हमारे ही देश भारत में ही है, उत्तर प्रदेश राज्य। वहीं दोस्तों, अगर हम इंडियन एयरफोर्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, उस समय इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। वहीं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ही गोवा को आज़ाद कराया गया, गोवा मुक्ति संग्राम के तहत। वहीं ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। वहीं भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भी इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाई थी। और भी दोस्तों, बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाए गए। तो दोस्तों, आप भी अपने देश के एयरफोर्स के लिए कमेंट में द इंडियन एयरफोर्स लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप कमेंट में द इंडियन एयरफोर्स जरूर लिखिएगा, वहीं वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करना। और ये भी मत भूलना कि सब्सक्राइब करना आज के समय में आपका मौलिक अधिकार है। आपसे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।